हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपको मेरे वीडियो में बताऊंगी गणपति बप्पा का पहला दिन और आखिरी दिन। नागपुर में सबसे फेमस मार्केट बोलो तो है चितारोली, जहाँ पे मूर्तियाँ बनती है। तो हर साल की तरह चितारोली में बहुत माहौल होता है। गणेश चतुर्थी पूरे इंडिया में अच्छे से मनाते हैं, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा माहौल बोलो तो महाराष्ट्र में रहता है। तो हम लोग हर साल की तरह चितारोली जाते हैं और यहाँ पे इतना माहौल रहता है और सुबह सुबह के टाइम पे इतनी भीड़ होती है, क्योंकि सब सबके घर पर गणपति बप्पा विराजमान होते हैं। तो यहाँ पे मतलब सुबह सुबह बोलो तो बहुत ही भीड़ रहती है। और यहाँ पे कोई भी लोग अगर अपने घर पर बप्पा जी को लेके जाते हैं तो वो पूरा बाजे के साथ लेके जाते हैं, तो इसलिए मार्केट में और भीड़ हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सुंदर सुंदर इस बार जो डिज़ाइन है और बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी। यहाँ पे मूषक में भी बोलो तो बहुत वैरायटी, कोई लड्डू लेके बैठा है, कोई शिवलिंग के ऊपर बैठा है। तो ऐसे हर साल एकदम न्यू यूनिक गणपति बप्पा देखने मिलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा फुल ऑन माहौल रहता है और मतलब सब में इतनी एक्साइटमेंट होती है कि नहीं गणेश चतुर्थी है, तो सब अपने घर पे बप्पा जी को लेके जाते हैं, तो वो जो एक रहती है ना खुशी, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो हर साल की तरह मैं, मेरा भाई और मेरी दीदी, हम तीनों ही गए थे गणपति बप्पा को लेने। तो हम लोग वहाँ पे हर दुकान में जा के देख रहे थे, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी कि हम लोग भी कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या लेना। क्योंकि लास्ट टाइम तो हमारे जो बप्पा जी आए थे वो शिव जी के रूप में ही थे, एंड इस बार भी ये थोड़ा वैसा ही हुआ कि हमारे यहाँ जो बप्पा जी वो शिव जी के रूप में ही है, क्योंकि इतने प्यारे लग रहे थे। हर एक मूर्तियाँ को एकदम अलग अलग यूनिक डिज़ाइन थी। तो पुलिस भी बहुत होती है क्योंकि रश भी बहुत होता है। और यहाँ पे पूरे पेंडोल की ये जो बड़ी बड़ी मूर्ति है ये यहीं पे बनती है, चाहे फिर वो छोटी मूर्ति हो चाहे बड़ी मूर्ति हो, सब चितारोली में ही आपको मिलेंगे। और एकदम अच्छी से अच्छी यूनिक डिज़ाइन वाली एरिया, मतलब नागपुर में जितनी भी मूर्तियाँ पूरी चितारोली में बनती है। और हम लोग दो गाड़ी में गए थे, तो मेरी दीदी और मेरा भाई पहुँच गए थे, बट मुझे कैसा फ्रूट और मिठाइयाँ वगैरह लेना था, मैं थोड़ा आधा घंटा लेट पहुँची थी। तो यहाँ पे दीदी और मेरा भाई मेरा वेट कर रहे थे ताकि हम अंदर भी जाएंगे तो बप्पा जी को एक साथ लेके जाएंगे। और अंदर से नॉडी देख रहा था। यहाँ पे मम्मी फिर बप्पा जी का स्वागत कर रहे थे, उन्होंने उनकी पूजा की है, यही सब है। अब थैला लेके थैला ला लो बस। तो फाइनली हमारे फिर बप्पा जी आ गए थे। और फिर बाद में हर साल मतलब हम लोग लाते हैं बप्पा जी को, पापा स्थापना करते हैं। तो फिर बाद में पापा ने गणपति बप्पा को उनके स्थान पे बैठाए। और इस बार मैंने सोची थी कि जो डेकोरेशन का कलर होगा वो थोड़ा मतलब लाइट कलर में रखूँगी, तो दो कलर हमने चूज किए थे दीदी और मैंने, पिंक एंड वाइट। थोड़ा लाइक लाइट कलर अच्छा भी लगता है, कितना तो हर बार मल्टी कलर होता है। फिर मम्मी यहाँ पे पूजे की तैयारी करे हमारे सब आरती वारती की, और फिर हमने बप्पा जी को भोग लगाए, फल फ्रूट जो भी सब रखते हैं वो सब हुआ, एंड उसके बाद हम लोग ने की आरती। और फिर एकदम घर में पॉजिटिव वाइब, एकदम बहुत ही शांत लगता था। ये जो आपको बिल्ली दिख रही है दीवार में बैठो, ये हर बार मेरे आती है, रोज आती है और भगवान के पास खाना खा के जाती है। और ये वो था पहला दिन, और आज का ये है आखिरी दिन, जब बप्पा को अलविदा बोलने का टाइम आता है। और घर में एकदम सुना सुना भी लगता है, और 10 दिन कैसे निकल जाते कुछ पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है कि कल ही तो आए थे। तो ये था पप्पा जी का आखिरी दिन, जब मम्मी ने उनको पूरा जो दुर्वे का माला होता है वो अच्छे से पहनाए थे, और फिर मम्मी पूरी तैयारी करते। और जाने के पहले पप्पा के कान में हम जो भी हम मांगना चाहे वो हम बोलते। फिर यहाँ पे मेरा भाई गणपति पप्पा को उनके स्थान से उठाया,
और फिर उसके बाद में हम लोग घर, जब बप्पा जी घर से जाते हैं ना, तो हम उन्हें पूरा घर एक बार अच्छे से दिखाते हैं। उसके बाद हम बप्पा जी को घर के बाहर मतलब लेके जाते हैं। तो मेरा भाई यहाँ पे पूरा घर दिखाया बप्पा जी को, और फिर पूरा हर एक रूम में घुमाया, और उसके बाद फिर हम बप्पा जी को घर के बाहर लेके आए। और ऐसा था कुछ आखिरी दिन, ऐसा लगता ही नहीं कि भाई 10 दिन इतने जल्दी कैसे क्या ख़त्म हो गए, और घर काफ़ी सुना सुना लगता है। तो यही था मेरे आज के वीडियो में बप्पा जी का पहला और आखिरी दिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने फोटो वोटो खींचे बप्पा जी के साथ मोरिया, और एकदम अच्छे से खुशी से बप्पा जी को विदा किए। गणपति बप्पा मोरिया पुरजावर लोग करिया।